नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान इरशाद अहमद जी हैं और यह बेंगलोर के रहने वाले हैं। बेंगलोर से थोड़ी दूरी पर है इनका शहर। क्या नाम है उसका? हसन। हसन कर्नाटक के रहने वाले हैं। 27 साल उम्र है और यह एक पेट रोगी हैं। आपको बताते हैं, पेट रोग एक मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है। अगर आप समझते हैं पेट रोग मतलब होता है कि अगर पेट ठीक रहता है तभी हमारा माइंड ठीक रहता है, और माइंड ठीक रहता है तभी हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड ठीक रहता है, मतलब संपूर्ण शरीर ठीक रहता है। भारत के अंदर पेट रोग काफी मात्रा में पाया जाता है और उसको पाए जाने का सबसे बड़ा कारण है, व्यक्ति खाली पेट रहता है और पैसा कमाने के लिए दौड़ता है, और पैसे कमाने के कारण वो सही समय से खाना नहीं खाता, ज्यादा वजनीला काम करता है, ज्यादा सोचता है, और सबसे बड़ी बात कि खाने के बीच में ही जब वो खाता है तो उसके बाद पानी पी लेता है खाने के बीच में, और खाना भी जब खाता है तो उसका कोई समय नहीं होता, और समय भी होता है तो वो रुक कर और आराम से टाइम देकर नहीं खाता। इरशाद जी को पूछते हैं कि ये कैसे इस दलदल के अंदर फंसे और अब कैसे इसके अंदर से निकलेंगे। आज हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे पेट रोग होने के सबसे बड़े कारण, जिनको आपने अपने जीवन में नहीं करना, जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, तो आप निश्चित तौर पर कभी भी पेट रोग के शिकार नहीं होंगे। इरशाद जी, कैसे आपको पेट रोग हुआ था, आप इसके चक्कर में कैसे फंस गए? वो वजन उठाते ना, आप वजन उठाते थे? दो साल से सब जगह दिखाया। अच्छा, ठीक नहीं हुआ। आपको यूट्यूब देखे आया? आपने कहाँ मतलब दिखाया है? बहुत आया, पूरा स्कैनिंग सब करा दिया। अच्छा, शरीर की स्कैनिंग करा दी? करा दिया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड खिंचाव है, पेट के अंदर सूजन है जिसे हम आमतौर पर नली बोलते हैं, और इसको ठीक करने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात आपको माइंडली प्रॉपर सकारात्मक रहना पड़ेगा और पूरे शरीर को एकदम स्ट्रेस मुक्त रखना पड़ेगा। इस शादी को 2 साल से प्रॉब्लम है। 2 साल पहले ये लोहे का काम करते हैं, और हम आपको बताते हैं भारत के अंदर जो लोग जिमों में जाते हैं वहां पर जिनका वजन होता है 50 किलो, और वो 50 किलो वजन के साथ बराबर वजन 50 किलो वजन भी उठा लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी नले पड़ जाते हैं, वो भी नाभि के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि वो जिम के अंदर जाते ही बेल्ट नहीं बांधते और बिना बेल्ट बांधे ही वो अपनी जिमिंग चालू कर देते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हैं, महिलाओं को भी पेट रोग होते हैं, क्योंकि महिलाएं भी आज के समय में सीवियर स्ट्रेस और पूरे दिन खाली पेट रहकर काम करती हैं और खड़े रहकर काम करती हैं, वो भी वजनीला काम करती हैं, इसलिए उनको भी आज के समय में तकलीफ आ रही है। अब आपको आपके जो जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जो कारण होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो काम आपने नहीं करने। सबसे पहले अगर आप कहीं भी कोई मेहनती काम करते हैं, ज्यादा मेहनती काम करते हैं, ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, तो आप उतना ही वजन उठाएं जो आराम से उठाकर आप कहीं भी रख सकते हैं, और अगर कहीं भी ज्यादा वजन है और आपको अकेले को उठाना पड़ रहा है तो आप अभी रुक जाइए, उसको नहीं उठाएंगे, साथ में एक व्यक्ति रखिए, डबल उठाइए, डबल व्यक्ति उठाकर उसको रखिए। आपको बीच बीच में वजन उठाने का काम है तो खाना जरूर खाना है, कुछ न कुछ खाते रहना है, और अगर आप जिम करते हैं तो जिम में भी आप उतना ही वजन उठाइए जितना आप उठा सकें। जो आपका साथी है अगर वो आपको बोलता है कि नहीं आप इतना वजन मार सकते हो, इतना पुश अप मार सकते हो, इतना इसके साथ ये कर सकते हो, इतना वो कर सकते हो, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिना ट्रेनर के नहीं करेंगे, बिना जो गाइड करने वाला है उसके नहीं करेंगे। तीसरी बात सबसे जरूरी, अगर आप कहीं भी किसी के उकसावे में आकर कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे आपके वजन कमर और आपके पेट पे भयंकर खिंचाव डालती है तो क्रिया नहीं करनी, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई घर का व्यक्ति हो, चाहे कोई बाहर का हो। सबसे जरूरी चीजें इसमें रहती हैं कि अगर आप कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो उसके बाद में आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी नींद लेनी चाहिए, खाना बहुत चबाकर खाना चाहिए और फाइबर वाला खाना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, व्यायाम आपकी जिंदगी का एक अनिवार्य जरूरी
तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं, टॉप फिंगर, नले की सेटिंग, स्ट्रेचिंग, और उसके साथ में हम न्यूरोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट्स बताते हैं वो आप अति आवश्यक लीजिए। इनको बहुत ज्यादा भयंकर गैस की समस्या है। जिस व्यक्ति को गैस की समस्या रहती है, आप जानते हो गैस उस व्यक्ति को बनती है जिसके पेट की मसल्स खिंच जाती हैं, या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाता है एलोपैथी की, या फिर वो व्यक्ति खाने के बीच में पानी पीता है, या वो व्यक्ति जिसके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए, या वो व्यक्ति जिसका एक्सियल प्रॉपर नहीं बनना, जिसका खाना प्रॉपर गल नहीं रहा, या वो व्यक्ति जिसको सीवियर कब्ज रहती है उस व्यक्ति को गैस बनती है, या वो व्यक्ति जिसको सीवियर डिप्रेशन है, नकारात्मक सोचने की आदत है, उसको गैस बनती है, या वो व्यक्ति जो परमानेंट बैठे बैठे काम करता है, बैठे बैठे खाना खाता है, उसको गैस बनती है, या वो व्यक्ति जो ऐसे काम करता है जिसको खाने का समय ही नहीं मिल रहा, उस व्यक्ति को गैस ज्यादा बनती है। अब आप देखिए कि इरशाद जी का पेट देखिए, ये जो पेट है ये अलग तरीके से फूला हुआ है, ये देखिए एक अलग सिम्टम्स है ये पेट फूलने का, और ये गैस है। गैस कब से है आपको? कब से है? कंप्लीट। ये जो पॉइंट्स है, अब आप देखिए जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं कि जो नाभि के ऊपर का जो पॉइंट्स हम जो बताते हैं, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ये आपको लगभग 20 बार करना है। और दिन में जब भी आपको लगे मुझे गैस की शिकायत है, ये ऐसे से करने में आपको कोई तकलीफ नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लीजिए, निश्चित तौर पर आपको गैस कम होगी, और आप सकारात्मक सोचिए, निश्चित तौर पर आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बीमारी आपको क्यों होती है, नले क्यों पड़ते हैं, ये आज हमने आपको बताया। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पेट की समस्या है, तो आप 2 दिन या 4 दिन के लिए हमारे पास मत आइए, आप टाइम निकाल कर आइए, क्योंकि आप एक रोगी हो। मतलब कहीं भी अगर आप जाते हो और ऐसा लगता है कि कहीं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ठीक नहीं हो रहे हो, तो वहां से भागिए मत, आप वहां पूरा टाइम दीजिए, निश्चित तौर पर आप ठीक हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, वो कहते हैं हम ठीक ही नहीं हुए, 3 दिन लिया हम ठीक ही नहीं होते, क्योंकि पेट रोग की समस्या होती है, उसको जड़ से खत्म करना है, इसलिए पूरा टाइम लेकर आइए, तो निश्चित तौर पर आप यहां से ठीक होकर जाएंगे। नमस्कार।